सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। बरियाने सते प्रश्न, हे राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत बरियान है, श्रेष्ठ है। बरियाने सते प्रश्न कृतम लोकहितम नृप, तुमने जो प्रश्न किया है इस प्रश्न के उत्तर से केवल तुम्हारा हित नहीं होगा अपितु संपूर्ण लोक का हित होगा। लोक हित के लिए तुमने प्रश्न किया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मानो सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम तो लोक कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण तो हो चुका है, तुम्हारा कल्याण तो हो चुका है, ये तुम्हारा प्रश्न लोक हित के लिए, तुम लोक हित कल्याण के लिए निमित्त बन रहे हो, कल्याण तो तुम्हारा उसी दिन हो गया जिस दिन गर्भ में तुमने गोविंद का दर्शन प्राप्त कर लिया। महाराज परीक्षित साधारण नहीं है, गर्भ में ही इनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, गर्भ में थे, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने इन्हें मार दिया, तो उत्तरा की प्रार्थना पर भगवान गर्भ में जाकर अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उस गर्भ को भगवान ने पुनः जीवित किया और महाराज परीक्षित को दर्शन दिया गर्भ में। और जब तक परीक्षित का जन्म नहीं हुआ तब तक भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके आलात चक्र के समान अपनी गदा को लेकर के उस गर्भ के चारों तरफ घूमते रहे, वो महाराज परीक्षित। मानो सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारा तो कल्याण हो चुका है लेकिन तुम्हारे इस प्रश्न से सारे लोक का मंगल होगा। बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मवित सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन देखो प्रश्न करना भी सबको नहीं आता, क्या प्रश्न करना चाहिए। सुखदेव जैसे महापुरुष जीवन में मिले, पहले तो मिलने ही दुर्लभ है, सुखदेव जैसा कोई ज्ञानी जीवन में मिले तो ऐसे महापुरुषों को पा करके ऊल जलूल ऊट पटांग प्रश्न मत करो, तत्व की जिज्ञासा करो, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की लीला के रहस्य क्या है, ये पूछो। ये मत पूछो महाराज हम मुकदमा कैसे जीतेंगे, महाराज पट्टीदार हमको बहुत परेशान करता है, वो कब मरेगा, ये सब मत पूछो। ऐसे सांसारिक व्यर्थ के प्रश्न महापुरुषों से नहीं करना चाहिए, उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनके समय को सार्थक करना हो तो भगवत चर्चा करो। और एक बात और बताऊं, इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर जो महात्मा आपको डांट करके भगा दे, समझ लेना वो सच्चा महात्मा है। तो बहुत बढ़िया थर्मामीटर मैं आपको दे रहा हूं, किसी महात्मा संत के पास आप जाओ और संसार की इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए उनसे प्रश्न करो, महाराज हमारी तबीयत कैसे ठीक होगी, बेटा अनुकूल नहीं कैसे अनुकूल होगा, बहू अनुकूल नहीं है उसको कैसे अनुकूल करें, घर कैसे बनावें, नौकरी कब मिलेगी, बोले इन प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो महात्मा तैयार हो जाए तो समझ लेना वो भी तुम्हारे जैसा संसारी ही है, और जो डांट करके भगा दे समझ लेना वो सच्चा भगवत प्रेमी है, वो मुक्त है। बंधुओं ये संसार के कार्य तुम्हारे अपने आप होते रहेंगे, इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं, प्रारब्ध में जितना होगा वो अपने आप समय पर हो जाएगा। और ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी ने असुर बालकों को बताया, असुर बालकों ने कहा महाराज सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रहलाद जी ने कहा कुछ नहीं करना चाहिए, यही जवाब दिया, कुछ नहीं करना चाहिए। बोले क्यों, बोले दुख प्राप्त करने के लिए क्या करते हो, कुछ करते हो, दुख प्राप्त करने के लिए आप भगवान को एप्लीकेशन देते हो,
दुख प्राप्त करने के लिए मंदिर में जाते हो कि हे भगवान हमको दुख दे दो? दुख प्राप्त करने के लिए आपने कोई अनुष्ठान कराया? दुख प्राप्त करने के लिए आपने किसी मंत्र को जपा? बोले नहीं। कभी मन में सोचा कि हमको दुख मिले? बोले नहीं महाराज, सोचा भी नहीं, हम तो कल्पना भी नहीं करते कि हमको दुख मिले। बोले फिर भी मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? मिलता। जिस प्रकार बिना प्रयत्न करने पर दुख मिलता है, उसी प्रकार बिना प्रयत्न करने पर सुख भी मिलेगा, क्योंकि ये सुख दुख दोनों आते जाते रहते, ये नियति। प्रहलाद जी ने कहा है भागवत में, प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि, गोस्वामी जी कहते हैं, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरो प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी, प्रहलाद जी कहते हैं जिस तरह दुख प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार सुख प्राप्त करने के लिए भी कोई यत्न करने की आवश्यकता नहीं। अपने आप जितना सुख मिलना है आपकी बुद्धि में प्रयास का संकेत होगा, आप उतने अंश में प्रयास भी करोगे और उतने अंश में आपको सुख मिलेगा स्वाभाविक रूप से। तो संतों के पास जाकर के तत्व की जिज्ञासा करनी है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने कहा, राजन, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः। हे राजन, सुनने के लिए तो हजारों विषय है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः, सुनने के लिए बहुत कुछ है। कविता सुनो, गाना सुनो, काव्य सुनो, मस्खरी सुनो, चुटकुला सुनो, सुनने के लिए दुनिया में तो लाखों विषय है। सुखदेव जी कितनी अच्छी बात कहते, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः। ज्ञान सुनो, विज्ञान सुनो, ज्योतिष सुनो, तंत्र सुनो, अनेकानेक विषय हैं, कितना सुनोगे? लेकिन सच पूछो तो सुनने का परम फल यही है कि भगवान की लीलाओं को सुनो, भगवान के चरित्र को सुनो, भगवान का गुणानुवाद सुनो। और हे राजन, मैं तुमको भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन सुनाऊंगा, जिससे तुम्हारा मन भगवान में तन्मय हो जाएगा। और ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, और इस जीवन को देखो, लोग अपने जीवन को कैसे समाप्त कर रहे हैं। एक तो 100 वर्ष की औसत आयु मिली है, उसमें भी 100 वर्ष हर व्यक्ति नहीं जीता है। कोई 50 वर्ष में मरा, कोई 60 वर्ष में मरा, कोई 40 वर्ष में ही मर गया। औसत आयु मानव की 100 वर्ष है, लेकिन वह आयु भी व्यक्ति पूर्ण नहीं कर पाता। और जितनी आयु जीता है उसमें भी वो क्या करता है, उसकी आयु कैसे बीतती? सुखदेव जी कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि तो बीत जाती है सो करके, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवाबयः। और रात्रि में अगर वो जगता भी है तो किसी अच्छे काम के लिए नहीं जगता है, भोगादि के लिए जगता है। व्यवाये न, व्यवाय माने भोगादि, व्यवाये न चवाबयः। और दिन, बोले दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च, और दिन बीत जाता है कुटुंब का भरण पोषण करने में, दाल रोटी की व्यवस्था कहां से।
और इसी में जीवन का एक एक दिन बीतता चला जा रहा। रात बीत रही है सो करके भोग करके, और दिन बीत जा रहा है पेट भरने की व्यवस्था करने में, और इसी में एक एक दिन करके जीवन बीतता चला जा रहा। तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। और संसार के प्राणियों को मरते देख करके भी ये जीवित प्राणी ये नहीं सोचते कि मैं भी मरूंगा। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। और मरने के बाद कहां जाएंगे, क्या होगा, उस विषय में सोचने का अवसर नहीं, यहीं के लिए केवल सोचते रह जाते हैं। और यहां के लिए हम जो कुछ करते हैं वो सब कुछ यहीं रह जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिंदगी तो बीत रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, चली जा रही धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, भजो राम आठो पहर धीरे धीरे, भजो राम आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, 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 झुकी जा रही कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, भजन कर तुम्हारी का पल पल वो प्यारे, भजन कर तू हरी का पल पल वो प्यारे, भजन कर तू हरी का पल पल वो प्यारे, भजन कर तू हरी का पल पल वो प्यारे, तू मिल जाएगा वो सजन
आएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तो परेशान और दो धीरे धीरे, सुबह शाम मोर दो पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे। चला जा रहा है एक एक दिन करके, हुए केश उजले गिरे दांत तेरे, वो झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। एक महात्मा कहते थे एक कमर झुक करके क्या बता रही है, बोले जैसे स्टेशन पर जब गाड़ी आने वाली होती है तो सिग्नल जो होता है वो झुक जाता है, सिग्नल डाउन हो जाता है इसका मतलब गाड़ी आने वाली है। ये कमर का झुकना ही मानो सिग्नल का डाउन होना है कि तुम्हारे जीवन की गाड़ी अब मौत की गाड़ी आने वाली है, अब तैयारी करो धीरे धीरे, अपने सामान सहेज लो, सिग्नल हो गया है गाड़ी ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, अपना सामान ले लेना है और चल देना है। महात्मा कहते थे केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है, केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है, कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है, कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। तैयारी कर लो, बोले क्या तैयारी कर लो, बोले लगेज संभालो, अरे भाई कुली कर लेंगे, बोले यही एक ऐसी यात्रा है जिसमें कोई कुली नहीं मिलता, कोई हेल्पर भी नहीं होता और लगेज भी ज्यादा नहीं होता, दो होता है, क्यों दो लगेज कोई भी ले सकता है, अपने दो हाथ परमात्मा ने दिए और दो लगेज कौन है। बोले इस दुनिया से जब यात्रा करोगे तो एक पाप की गठरी होगी एक पुण्य की गठरी होगी, यही दो लेके जाना, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं जाएगा। कर्म धर्म की गठरी ले लो साथ यही बस जाती है, कर्म धर्म की गठरी ले लो साथ यही बस जाती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती 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 है। यही जीवन का सत्य है और इस सत्य को हम भुलाकर असत्य संसार को ही सत्य मानकर इसी में सारी ऊर्जा सारी शक्ति सारी बुद्धि सारा दिमाग खपा देते और अंत में हाथ कुछ नहीं लगता।